हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल डॉक्स में टेबल को रोटेट कैसे करते हैं। देखिए, गूगल डॉक्स में ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं दिया होता, तो इसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई डायरेक्ट मेथड पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम इस टेबल का स्नैपशॉट लेंगे। तो स्नैपशॉट लेने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ विंडो की और एस एक साथ दबाइए। तीनों हमें एक साथ दबाना है, शिफ्ट की, विंडो की और एस। तो ऊपर देखिए ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें ये देखिए पहला वाला ऑप्शन आपको जो है, जो यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए प्लस साइन बनकर के आ गया। अब इस टेबल का हम एक इसको मतलब इस सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इसका स्नैपशॉट ले लिया। सिर्फ सेलेक्ट करना है आपको, ये अपने आप स्नैपशॉट ये देखिए क्लिप बोर्ड पे यहाँ पर कॉपी हो चुका है इधर, ठीक है, राइट साइड में। इसको यहाँ से कर देंगे हम क्रॉस। अब जहां पर ये टेबल आपको रोटेट करनी है वहां पर कर्सर ले जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये टेबल हमें रोटेट करनी है, तो कर्सर हमने यहाँ पर रखा, उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखिए टेबल यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इस टेबल पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा ये टेबल एज ए इमेज पेस्ट हुई है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए थ्री डॉट्स आपको मिलते हैं, ये देखिए इस पे क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए साइज और रोटेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो राइट साइड में देखिए साइज और रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए रोटेट में एंगल के ठीक सामने ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल देखिए आपकी जो है वो रोटेट हो गई।